प्राचीन काल से संगडा में शिरगुल महाराज जी का भव्य मंदिर है और साथ में उगाई माता गुरु महाराज, गुगा महाराज, कलेश्वर आदि मंदिर स्थापित हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में इतने देवी देवताओं के मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। देवी देवताओं की असीम कृपा से यह सिरमौर क्षेत्र का गांव प्रसिद्ध है। इतिहास देखा जाए तो प्राचीन काल से यहाँ पर शिरगुल महाराज जी का भव्य मंदिर है और साथ में उगाई माता गुरु महाराज, गुगा महाराज, कलेश्वर आदि मंदिर स्थापित हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में एक साथ इतने देवी देवताओं के मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। किसी भी भयंकर आपदा, गृह दोष, पितृदोष, करा कराया, जादू टोना आदि का निराकरण करते हुए परिवार के प्रति सुख शांति प्राप्त होती है। शिरगुल महाराज मंदिर के समीप प्राकृतिक की बनी बावड़ी है, जिसका पानी शिरगुल महाराज जी की पूजा अर्चना के प्रयोग में लाया जाता है तथा भराड़ी के पूरे गांव में पीने के लिए बावड़ी के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो मैं शिरगुल महाराज को नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मेरे गृह में पधारे और सबको आशीर्वाद दिया। और हमने ये जो है क्या कहते हैं, मेरा जागरता जो है मानव, मेरा अपना मानना हुआ था जो कि आज देवता ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। और अब हमारे यहाँ पर तरह तरह के मिष्ठान भंडार जो है बने हुए हैं और सब लोग अपना जो है भोग लगाकर घर चले जाएंगे। मानत होती है जी, अगर मेरा बेटा शरीर से लगे तो भी पूरी हो जाती है, श्री गुरु महाराज की कृपा भी रहती है और विजय महाराज और किलेश्वर महाराज, कुलिष्ट उगाई देवता, चार देवता ये हमारे, फिर गुगा महाराज भी है, नारसिंह देवता भी है और यहाँ हनुमान वीर भी है और गुरु महाराज भी है यहाँ। तो जो इच्छा होती है लोगों की वो पूरी होती है, तभी लोग देवता को जगरात्रा में ले जाते हैं और सात्विक भोजन से जगरात्रा करते हैं और जो मन की इच्छा होती है वो लोगों की पूरी होती है। किसी को बीमारी लगती है तो जो ऐसी बीमारी होती है वो देवता ही इसको शांत कर सकता है, तो लोग तो भी मानते हैं। वो किसी की घरग्रिया नहीं होती है तो उसके लिए भी मानता करते हैं, भैया अगर मेरे लायक घरग्रिया होगी तो मैं इसके लिए आपको अपने घरग्रिया में ले जाऊंगा, तो मानता पूरी होती है। तभी लोग हमारे गांव में बहुत ज़्यादा देवता को मानते हैं, यहाँ देवी के भी मंदिर है और सब लोगों को पता है जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे देवता में बहुत शक्ति है, चार देवता है यहाँ, कहीं नहीं होंगे चार देवता इकट्ठे इस भराड़ी में। इसको भराड़ी कंचीचूर भराड़ी के नाम से मानते हैं इसको, क्योंकि यहाँ चार देवता है पहले से ही है, हमारी कई पोस्ट चली गई, हम यहाँ के पुजारी हैं और जो हमारा इनसे प्यार भाव हिसाब किताब भी देते हैं, हम कभी मना नहीं कर सकते जाने के लिए, दिन रात जब भी फोन आए या कोई संदेशा भेजे तो हम तैयार, ये लोग भी हमारे पीछे दिन रात तैयार है। अगर हम ऐसे ही बोले भाई हमारे घर में ऐसी बात है या हम किसी को कोई मुसीबत आती है तो ये हर घर से गाँव से हमारे पीछे दिन रात तैयार है। और इसकी उत्पत्ति हुई जी जब से श्री गुरु महाराज ले आया तो इसकी दो पहचान है जी यहाँ, एक तो इसने पानी लिया अपने लिए भाई पानी भी मेरे को चाहिए, और एक जंगल है जी यहाँ हमारे देवदार का, वो भी इसने साथ लिया, भी मेरे को धन की जरूरत है, यहाँ उसकी छुट्टी पे रहना ऐसे मुश्किल है, तो पानी भी इसी वजह से ना वो सूखता है 12 महीने और एक जंगल है देवदार का, जैसा कहीं ऊपर हाइट में भी नहीं होंगे ऐसे पेड़ पौधे इस महाराज की, और तभी बेचते जब कोई इसकी समस्या हो, मंदिर हो या कोई समस्या, तो बेचते हम इसकी अपनी प्रॉपर्टी है वो, हम ऐसे इसको ना जला सकते ना हम किसी को बेच सकते ना हम इसमें हाँ कर सकते, पूरी पंचायत रेड बैठ इसी का ही धन दौलत है, जहाँ मुसीबत आई वहाँ के लिए। दिव्यमचल टीवी के लिए संगडा से हेमंत चौहान की रिपोर्ट।